चास उत्पाद दुकानदार संघ सह चास टाउन वेंडिंग समिति की तरफ से चेकपोस्ट पटेल मार्केट चास में तृतीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। चास उत्पाद दुकानदार संघ सह चास टाउन वेंडिंग समिति के इस तृतीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह में इस संगठनों से जुड़े व्यवसायी और दुकानदार बड़ी संख्या में शामिल हुए, जहां सभी व्यवसायियों सभी दुकानदारों के बीच मुख्य अतिथि के तौर पर चास के मेयर भोलू पासवान पहुँचे। मेयर भोलू पासवान को विशाल माला पहनाकर आयोजकों की ओर से उनकी अगवानी की गई और फिर साल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। तृतीय वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह में चास उत्पाद दुकानदार संघ सह चास टाउन वेंडिंग समिति से जुड़े व्यवसायियों दुकानदारों ने इस मौके पर मेयर के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का काम भी किया। चास उत्पाद दुकानदार संघ सह चास टाउन वेंडिंग समिति के वार्षिक सम्मेलन सह मिलन समारोह में बोलते हुए मेयर भोलू पासवान ने कहा कि फुटपाथ दुकानदारों को अस्थायी रूप से बसाने की पहल पर चास नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। आज इनके विरोधी कहते हैं वार्षिक मिलन कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हैं। मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के समय में जब कई समस्या, अगर समस्या के बारे में कहा जाए तो सबसे ज्यादा समस्या हमारे फुटपाथ दुकानदार साथियों के लिए है। पहले 2015 में आप सभी के आशीर्वाद से जब मेयर बना तो चास एक ऐसा चास था कि जिस भी कोना में खड़ा होता था वहां एक समस्या नहीं, 10-10 समस्या दिखता था। किसी भी चौक पर अगर कहीं भी जाता था तो ऐसा स्थिति था कि शायद एक महसूस होता था कि चास एक ऐसा शहर है, समस्या का शहर है। ना कहा, ना कहीं खड़ा होने का व्यवस्था था, ना कहीं लाइट की व्यवस्था थी, एकदम जर्जर स्थिति में चास धीरे धीरे पहुंच रहा था। लेकिन आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि चास 2015 से लेकर 2020 की 5 सालों में हम लोगों ने जो प्रयास किया उसको काफी हम लोगों ने सकारात्मक पहल और धरातल को उतारने का काम किया। आज हमारा चास, हमारे दुकानदार, फुटपाथ दुकानदार जो लोग हैं उनको हम समझते हैं कि जो भी अभी तक सुविधाएं हम लोगों ने किया है वो बहुत कम है, और ज्यादा सुविधा और ज्यादा व्यवस्था करने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि चास फुटपाथ दुकानदार संघ पूरे राज्य में एक ऐसा नगर निगम चास होगा जहां पर सबसे पहला स्थायीकरण का काम होगा।